हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुराम केमिस्ट इंस्टीट्यूट। और चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल की या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अपनी लास्ट क्लास, क्लास नंबर फिफ्थ, ठीक है, जहां अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैलकुलेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक्चुअल में ग्रेजुएशन या पीजी लेवल का टॉपिक है, फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाए यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई माथा पचिया वाला काम तो अपना है नहीं, तो मे बी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना हो, उसको आप डील करो। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हल्का सा है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल का तक तो आपका सिलेबस वैसे भी है। तो पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। तो जनरली इसके लिए अपन जो प्रोसेस काम में लेते हैं वो बॉर्न हेबर प्रोसेस काम में लिया जाता है, ठीक है। बॉर्न हेबर प्रोसेस अपन काम में लेते हैं, जिसको अपन बॉर्न हेबर साइकिल भी नाम अपन देते हैं, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग एक रूल आता है, हैस का रूल, ठीक है। हैस का रूल अपन अपना एक आता है, जिसके अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है एक पूरी साइक्लिक प्रोसेस में, एक पूरे चक्रीय प्रक्रम में जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट बनी रहती है, जिसको अपन ओवरऑल वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक तरीके की ऊर्जा ही है, तो उसका मान अपन पहली बात तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का निर्धारण किस नियम से या किसके किन साइंटिस्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो एक तो बॉर्न हेबर साइकिल है और एक आपका हैस का रूल है, दोनों रूल यहाँ पे लगते हैं और आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो कैलकुलेशन अपन करेंगे ये सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, कुछ एक एलिमेंट्स होंगे या कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके लिए अपन इनका रूल, इस रूल का यूज करने वाले हैं, तो ये हर जगह वैलिड नहीं है, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी जहां जहां वैलिड है वो एक दो एग्जांपल्स अपन करेंगे ताकि अपने को आइडिया लगे कि कैसे इस बॉर्न हेबर प्रोसेस या साइकिल का यूज किया गया हैस नियम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिखवाया हुआ है कि NaCl के लिए अपने को निकालनी हो, NaCl के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी हो तो कैसे चेक अपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को पता है, देखो NaCl में सोडियम और Cl है, इनकी मूल अवस्था क्या होती है वो अपने को लिखनी है। तो सोडियम जो मूल अवस्था में पाया जाएगा, सोडियम जो मूल अवस्था में पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम सॉलिड स्टेट में। क्लोरीन जो पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, और गैस हमेशा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है अणु के रूप में। तो अकेला Cl गैस आप नहीं लिख सकते, इसका तो मतलब क्लोरीन का एक परमाणु है, यहां Cl2 आपको लेनी है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैस के एक अणु के रूप में स्थायी होता है। बट एक दिक्कत यहां पे आती है कि जो आपको NaCl बनाना है उस NaCl में आपको एक सोडियम का अणु चाहिए, एटम चाहिए, और एक क्लोरीन का एक एटम चाहिए। तो उसके लिए अपन यहां पे क्या करेंगे, इस Cl2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां इसको क्या पढ़ोगे आप, हाफ मोल इसका ले लिया, अणु कितने हैं, दो अणु हैं, कितना एक्चुअल अणु, तो एक ही बचाना, एक्चुअल अणु एक ही चाहिए अपने को, एक ही यहां पे बचता है। बट उसको लिखने का तरीका ऐसा हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, हाफ मोल इसके लिए, भाई सीधी सी बात है, हाफ का मतलब 50% मोल इसके लिए है, भाई कोई भी चीज, जैसे दो पेन अपने पास है और उसमें से मुझे 50% लेने हो, तो दो पेन है और 50% लेने का मतलब क्या है, मैं उसमें से एक पेन ले रहा हूं, तो एक्चुअल में तुम आपको अणु दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन के, बट मोल मैंने आधे ले लिए, हाफ मोल ले लिए, हाफ मोल लिए, इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम यूज किया है। पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, आपने ओवरऑल ये दोनों चीजें ले ली, अब इनकी आपको रिएक्शन करानी, ये दोनों ही कंडीशन मूल अवस्था की, कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्ञात करनी हो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आपको कंपाउंड दिया उसकी मूल अवस्था आप लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से इस इक्वेशन में आप इस सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करोगे, गैस में, किसमें कन्वर्ट करोगे, गैस में, क्यों, क्योंकि दोनों गैसीय फॉर्म में आएंगे तभी तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो सोडियम को मैंने बदला गैस फॉर्म में, ये आपका एज इट इज रह जाएगा हाफ Cl2 गैस, ठीक है। भाई NaCl आपको बनाना है तो ऑब्वियस बात आपको Na+ चाहिएगा और Cl- चाहिएगा, सीधी सी बात है, अभी तो ना तो अपने पास Na+ है ना ही Cl-, वो बनाने पड़ेंगे अपने, ठीक है। और दोनों किस फॉर्म में होते हैं, गैसीय फॉर्म में होते हैं, ऑब्वियस बात अपने को पता है। तो एक तो सोडियम मूल अवस्था में आपका पाया जाता है, एक्चुअल जो पाया जाता है वो सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, उसका अपने हाफ मोल लिए। फिर अपन क्या करें, एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें अपन सॉलिड को गैस में बदल रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, या ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट अपन करते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस हुई जिसमें सॉलिड बदल गया गैस में, ये आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, सोडियम गैस तो बना दी बट चाहिए सोडियम प्लस गैस, इसका मतलब इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेते हैं, तो ये सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा, गैस का गैस रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और ये हाफ Cl2 एज इट इज रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन वो जो निकला वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुई कैसी प्रोसेस है, आयनाइजेशन एनर्जी की प्रोसेस, आयनन ऊर्जा की प्रोसेस है, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी आप बोल सकते हो, इसको मैं ई से डिनोट कर देता हूं,
ठीक है, या कैपिटल आई से, सॉरी कैपिटल आई से इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, देख लिया सोडियम गैस को किसमें बदल दिया, सोडियम प्लस गैस, मतलब एक आयन का तो काम बन गया। अब सीएल माइनस गैस की आयन चाहिए, वो कैसे लाएंगे, सीएल कैसा है यहाँ पर हाफ सीएल टू गैस है, इसका मतलब सीएल का एक ही एटम है, ये एक्चुअल में सीएल का एक ही एटम, लिखने का ही तरीका ऐसा है, एटम एक ही है सीएल का, सीएल का ये एक एटम है गैस फॉर्म में, और एक सोडियम, यहां सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला वही तो बचा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ये सीएल एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस अगर बनाना है, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनाना, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अपन क्या करवा रहे हैं, इस दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, एक्चुअल में ये इस तरीके का हो जाएगा, दोनों रिएक्ट करेंगे और सीएल किस में बदल जाएगा, एन ए प्लस तो आपका पढ़ा ही है एन ए प्लस गैस में, सीएल भी बदल जाएगा सीएल माइनस में, गैसी फॉर्म आपकी आ जाएगी, और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना कैसी प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली प्रोसेस है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो वो आयनाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, ये देख लिया, ये चेक कर लिया, अब ये बन गया सीएल माइनस, यहाँ पे आई बात समझ में। ठीक है, अब सोडियम प्लस एक गैसीय आयन है, एक सीएल माइनस गैसीय आयन है, वो दोनों को ऐड करवा के एनएसीएल बनाना है, तो कभी भी जब आप किसी विलगित गैसीय आयनों को, किसी आइसोलेटेड गैसीय आयन को जब आपस में ऐड करवाते हो और एक एनएसीएल का आप क्रिस्टल बनाते हो, जालक बनाते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है जालक ऊर्जा, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हो, लैटिस एनर्जी जिसको आप बोलते हो, उस यू की आपको नीड होती है, ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ती है, ध्यान रखना, तब ऊर्जा दोगे तब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जाकर रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl का क्रिस्टल बना देते हैं, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस से होकर गुजरता तब जाके NaCl बनता है, बट एक प्रोसेस डायरेक्ट भी होती है, उस डायरेक्ट प्रोसेस से भी मैं डायरेक्ट सोडियम सॉलिड और सीएल गैस से मैं आपस में मिक्स करूंगा और डायरेक्ट एनएसीएल में बना दूंगा, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है संभवन ऊष्मा, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है संभवन ऊष्मा, जिसको अपन फॉर्मेशन एनर्जी भी अपन नाम देते हैं, ध्यान रखना, फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा होगा, फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, संभवन यानी बना रहे हैं अपन, फॉर्मेशन एनर्जी या फॉर्मेशन हीट दी जाती है वो एक ही बात है, जिसको अपन डेल्टा एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऊर्जा भी इसको दी जाती है तब जाके बनता है, जो आपकी यू वाली ऊर्जा ये भी दी जाती है तो बनता है, तो वो एक प्रोसेस बन गया, एक साइकिल सी बन गई है, दिख रहा है ना आपको, एक साइकिल सी आपकी बन चुकी है ओवरऑल, भाई कहलाती है आपकी बॉर्न हैवर साइकिल। और अब लगाएंगे अपन हैस का रूल कि एक स्टेप से जो एनर्जीज होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी किसी दूसरी स्टेप की एनर्जीज के, हैस का नियम पढ़ा हुआ आपने थर्मोडायनेमिक्स में, उष्मा गतिकी में आता है कि जो आपकी कुल ऊर्जाएं होती हैं वो आपकी नियत बनी रहती हैं, और जो आप एक प्रोसेस से जो ऊर्जाएं जिस जितनी भी प्रकार की ऊर्जाओं का यूज कर रहे हो उन सबका एडिशन कर दो, और जो एक सेकेंड प्रोसेस आपकी चल रही है साइकिल में ही उसको उसके इक्वल कर दोनों ऊर्जा। जैसे मैं अगर बात करूं, आपको बनाना है ए से आपको बनाना है बी, ठीक है, आपने ए से बी बनाने में आपने जो आपकी जो ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो मैंने मान लिया डेल्टा एच वन, बट एक प्रोसेस और भी हो सकती थी कि आप ए से पहले सी बना दो और सी से आप बना दो बी, तो ए से सी बनाने में मैंने मान लिया जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ वो डेल्टा एच टू है, और सी से बी बनाने में डेल्टा एच जो आपका थ्री है वो ऊर्जा या उष्मा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहां से हैस के नियम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा एच वन वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के बराबर हो जाएगा, ये बात बताता है हैस का नियम, तब हैस के नियम को अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एक डायरेक्ट पाथ में जो ऊर्जा होती है, जो उष्मा होती है, वो किसके बराबर होगी कि आप किसी अन्य पाथ से होकर जो गुजरते हो, चाहे वो अन्य पाथ कितना भी हो, ए से डी बनाते, डी से सी बनाते, सी से बी बनाते, तो यहां जो ऊर्जा आती, यहां जो ऊर्जा आती और यहां जो ऊर्जा आती वो तीनों ऐड हो गया जाती है यहाँ पे, तो यही हैस का नियम है जो आपको समझना है। ठीक है, अब यहां से जो आपने क्या चीजें, क्या क्या चीजें अपन समझ सकते हैं, देखो सब्लिमेशन एनर्जी का आपने यूज किया, आप लिख सकते हो सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, यहां से ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी हुई, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आई लिख सकते हो, ठीक है, देन आपने कौन सी एनर्जी यूज की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने ई का यूज किया, ई का यूज कर लिया, ठीक है, क्लोरीन और एन ए प्लस और सीएल माइनस को मिलाने के लिए आपने जालक ऊर्जा का यूज किया, यू का यूज आपने किया तो आपने लिख दी यू, ठीक है, एक साइड की तो एनर्जी हुई ये सारी, और एक साइड की ऊर्जा हुई आपकी डेल्टा एफ वाली, कौन सी भी डेल्टा एफ वाली आपको निकालनी है यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली ऊर्जा। ठीक है, अब ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, ध्यान देने वाली बात आपको ये आती है कि ये जो आप एनर्जी जो लिख रहे हो, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देने वाली ऊर्जा दी गई है, और कभी भी अगर आपका सिस्टम उष्मा शोषी होता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वही तो ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करवाए क्लोरीन के साथ तभी तो सीएल माइनस बना है, तो
तो जब भी ऊर्जा देते हो तो वो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। रीजन है कि वो ऊर्जा को शोषित कर रहा है, ऊर्जा शोषण कर रहा है, ऊर्जा उष्मा शोषित प्रोसेस आपकी हो जाती है। उस केस में आप बोलते हो कि सिस्टम होता है वो एक क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा है आपको नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, प्लस ई ना लिख के आप इसको लिखोगे माइनस ई। इसी प्रकार से जो आपकी जालक ऊर्जा होती है, जो लेटेस एनर्जी होती है, वो भी आपको नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, क्योंकि सोडियम प्लस और सीएल माइनस जैसे परमाणुओं को ऐड करवा के अगर क्रिस्टल बनाना है, जालक बनाना है, एक लेटेस बनाना है, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, तो वो भी नेगेटिव होती है। संभवन की ऊष्मा वो भी आपको, इन दोनों एटम्स को अगर आपको ऐड करवाना है, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस से डायरेक्ट आपको NaCl क्रिस्टल बनाना है, तो भी आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वो संभवन ऊष्मा भी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तीनों ऊर्जाएं आपस में क्या होती है, ऋणात्मक मान रखती है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कैसे लिखोगे आप लिखोगे एस प्लस आई प्लस, यहाँ प्लस ना लिखे क्या लिखोगे, माइनस का ई, ठीक है, माइनस का आप लिखोगे यू, और ये बन जाएगा माइनस का डेल्टा एफ, ठीक है। यहां से आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई, तो ई को आप इक्वल के उस साइड ले जाओ, डेल्टा एफ को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा एस प्लस आई। अच्छा, एक चीज अपन यहाँ पे थोड़ा सा अपन मिस कर गए, ठीक है, वो एक स्टेप ये मिस कर गए, डिसोसिएशन एनर्जी अपन ने नहीं लिखी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन का हाफ मोल है एक्चुअल में, ठीक है। इस हाफ मोल को अपने क्या करनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूँ ना, यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी वाला स्टेप नहीं लिखा ना, यहां से आप पहले इस Cl2 गैस को आप Cl एटम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप यहां पे क्या करोगे, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे। अगर ये सिर्फ इतना होता Cl2 गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो आप डिसोसिएशन एनर्जी D दे देते, इसको D बोलते हैं, वियोजन ऊर्जा D, ठीक है। बट इसका आपने हाफ मोल लिया है, तो डिसोसिएशन एनर्जी भी आपको हाफ ही देनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं D बाई टू डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, ये बन जाएगा एन ए प्लस गैस, फिर Cl गैस और एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये मतलब आपको समझना है। और यहां से ये Cl- और इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे आपका, Na+ और Cl- आपका यहाँ पे बना देंगे, और ये आपकी स्टेप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे अपन, इसके साथ एक वैल्यू और एड कर लेना, डी बाई टू डिसोसिएशन ऊर्जा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाए, वियोजन ऊर्जा होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है इसमें भी, तो ये भी पॉजिटिव मान रखेगी हमेशा। तो अपन यहाँ पे सीख सकते हैं, यहाँ से प्लस का डी बाई टू कर दूंगा मैं, यहाँ पे डी बाई टू कर दिया मैंने, ठीक है। और मुझे निकालना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है, तो माइनस ही उधर जाएगा तो प्लस का ही बन जाएगा, माइनस एफ डेल्टा एफ इधर आएगा तो प्लस का, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा फॉर्मूला, प्लस का डेल्टा एफ, ये वाला आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, ना याद रहे तो पूरी प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे सॉलिड को गैस में बदला, फिर गैस को गैसीय आयन में बदला, फिर Cl2 वाले गैस को मॉलिक्यूल को अपन ने डिसोसिएट किया, आधा मोल था एक एटम में लेके आना था, ठीक है भाई। अकेला Cl का मॉलिक्यूल होता उसको तोड़, क्यों तोड़ना है, क्योंकि अपने को एक परमाणु चाहिए, ध्यान दो, एक परमाणु चाहिए अपने को। ये कितने परमाणु है, ये दो परमाणु है, ठीक है। दो से एक बनाना है, दो से एक बनाने के लिए आप क्या करोगे, दो से एक बनाने के लिए आप डिसोसिएशन जो वियोजन ऊर्जा वो डी देते हो, दो से एक अणु बनाना है तो आप डिसोसिएशन एनर्जी डी देते हो। लेकिन ये कब है, जब डी का Cl2 का एक मोल है तब डिसोसिएशन एनर्जी डी देते हो। अगर Cl2 का मैं ले लूं आधा मोल तो डिसोसिएशन एनर्जी भी बन जाएगी डी बाई टू, वो भी आधी हो जाएगी, ये बात आपको थोड़ा सा समझना है। एक मोल क्लोरीन गैस को तोड़ने के लिए, सीधी सी बात है, एक मोल क्लोरीन अणुओं गैसीय अणुओं को तोड़ने के लिए आपको वियोजन ऊर्जा डी चाहिए, तो आधा मोल क्लोरीन गैसीय अणुओं को तोड़ने के लिए आपको वियोजन ऊर्जा डी बाई टू की जरूरत पड़ेगी, तभी यहां मैंने डी बाई टू लिखा है। और ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव सिर्फ तीन एनर्जी इसमें पॉजिटिव है, तीन एनर्जी इसमें आपकी नेगेटिव आएंगी, ध्यान रखने की बात है। ये ओवरऑल आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी मैंने वैल्यूज लिखी हैं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर देना, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने सोडियम हाइड्राइड का यहाँ पे आपको करवाया है, सोडियम हाइड्राइड वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है, बस फर्क है इतना, यहाँ Cl2 वहाँ I2 है, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट क्लोरीन हो या चाहे आयोडीन हो, तो बात आपको ध्यान रखनी। तो ये पूरी एक साइकिल ऐसे बनती है और ये यहाँ पर जाके आपका NaCl बनता है, और एक ये डायरेक्ट प्रोसेस होती है, ये लगाया अपन ने हैस का नियम, ध्यान रखना ये वाला हैस का नियम अपन ने वहां लगाया है। और ये जो साइकिल होती है पूरी, जो साइक्लिक प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है आपकी बॉन्ड हैपर साइकिल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका सारा काम आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट करने। इसके अलावा जो मैंने डाटाज लिखा है ये सारे आपको याद करने, जो भी आपका 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम मैंने लिखवाया है, असाइनमेंट में आपको मैंने 3D श्रेणी का आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, तो दोनों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता डी ब्लॉक में कि इधर से इधर चलोगे
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी ही, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ही, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़े, ऐसा डी ब्लॉक केस में नहीं होता है। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब अपन उसको और अच्छे से सीखेंगे। बाकी अभी के लिए जो डाटा मैंने लिखा है वो याद करने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट बी वाला वर्ग लिखाया है कि जिंक कैडमियम मरकरी में किसकी जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है तो आपको पता है कैडमियम सबसे पीछे आएगा, फिर आपका जो भी आपका मरकरी आता हुआ आएगा, फिर आपका जिंक आएगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन रखेगा? जिंक रखता है अपने वर्ग में, जिंक रखता है, फिर आपकी रखेगी मरकरी, और फिर रखता है कैडमियम। ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना आपको, ठीक है। रीजन क्या है जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं वहां पे। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, एक कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा डाउट जो भी कुछ इसके रिगार्डिंग हो वो दूर हो जाए, ठीक है। जनरल जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप एक चीज वहां पे पढ़ते हो MOH, M कोई भी एलिमेंट है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे M कोई मेटल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बोल दोगे, M कोई नॉन मेटल एलिमेंट है, अधातु परमाणु है, तो उसको आप अधातु का हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे केस आप बना सकते हो, कोई मेटलॉइड है तो आप उसको मेटलॉइड हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। बट यहाँ केस क्या है, यहाँ केस है एक्चुअल में इसकी बॉन्डिंग होती है ऐसे, M सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो रही है, दिख रहा ना, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, दो तो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, अपन ने लगा दी, ठीक है। अब बात क्या आती है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ जो एक्चुअल में बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो ये वाला करें या ये वाला करें। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, OH ग्रुप है, बट ये OH ग्रुप दोनों टाइप की प्रकृति शो करता है कि ये क्षारीय भी हो सकता है और ये अम्लीय भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये दोबारा पढ़ाने का ये रीजन है कि ये हाइड्रोक्साइड कब अम्लीय और कब क्षारीय हो सकता है। ये क्षारीय होगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, एम प्लस और OH माइनस बनेगा, हो गया ना क्षार। बट ये अम्लीय कब हो सकता है, जब ये वाला बॉन्ड टूटे और यहां से बने एमओ माइनस और एच प्लस, भाई एच प्लस निकल रहा है इसका मतलब एसिडिक है, OH माइनस निकल रहा है मतलब बेसिक है, मतलब हाइड्रोक्साइड दोनों टाइप की प्रकृति रखता है, बिल्कुल रखता है। अब कब ये बेसिक होगा और कब ये एसिडिक होगा वो डिपेंड करता है किस पर, इस एम पर। अगर ये आपकी एक धातु है, एक मेटल है, तो यहां से OH निकलेगा, डेफिनेट यहां से OH निकलेगा हाइड्रोक्साइड से। और ये अगर आपकी एक नॉन मेटल है, या आपकी क्या एक नॉन मेटल है, तो आप डेफिनेट क्या बोलोगे यहां से कि एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां से एच प्लस निकलेगा, ना कि OH माइनस। तो नॉन मेटल केस में हाइड्रोक्साइड कैसे हो जाते हैं, एसिडिक, और धातुओं के केस में, मेटल्स के केस में हाइड्रोक्साइड्स कैसे बन जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के बन जाते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, इधर से इधर चलोगे तो आपका जो एसिडिटी होती है, हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ती है, और टॉप टू डाउन चलोगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बेसिसिटी, क्यों, क्योंकि इधर धातुएं बढ़ती है तो धातुओं, धातु क्षारीय गुण प्रदर्शित करती है, तो धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो अधिक क्षारीय होते चलेंगे, नीचे जाएंगे तब। इसी प्रकार से अधातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते जाएंगे जब अपन एक आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी का मैंने आपको बता दिया है कि उनकी बहुत अधिकतम तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। तो जितना ज्यादा स्थायी विन्यास होगा, आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा उसको दोगे, और जितनी ज्यादा ऊर्जा दोगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जैसे उल्टा हो जाता है कि जितना ज्यादा आप उसको वो करोगे स्थायी विन्यास, उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने का कहीं जगह ही नहीं बचती है, तो लगभग 0-0 के समथिंग इनकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। तो स्थायी विन्यास जो होता है वो चाहे अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास हो चाहे पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों प्रभावित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्थायी विन्यास है उसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो एक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो लगभग 0 के समथिंग आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान सकते हो। बट उस स्थायी विन्यास से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, आयन ऊर्जा की, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, लेकिन ऊर्जा बहुत अधिकतम आपको देनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और एक एग्जांपल ऑक्साइड और सल्फाइड का है जो मैंने अच्छा डिटेल में एकदम थ्योरी के साथ आपको समझाया, वहां कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। ये मेरी तरफ से आपका पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ बचेगा तो आपका कोई क्वेश्चंस में असाइनमेंट से क्वेश्चंस में कोई डाउट हो सकते हैं तो आप क्लियर कट पूछ सकते हो। सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है, अपन ने क्या चीजें क्या लिखी हैं, किस चीजों को, किन एनर्जीज को नेगेटिव माना, किन को पॉजिटिव माना, क्यों माना वो मैंने समझा दिया, क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेशन को अपन बॉर्न हैवर साइकिल बोलते हैं, क्यों उसमें हैस का रूल लगाते हैं वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर पीरियोडिक टेबल का। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी 8 तारीख को या 9 तारीख को आपका क्या उसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू।